मुकदस खवातीन व हजरात, हर पल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मीर अहमद बिरानी का सलाम। जो लोग मेरे चैनल में नए आए, मेरी उनसे अपील है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो शेयर करें, वो मुझे अच्छे अच्छे स्टार भेजा करें, वो मेरे बारे लिखा करें, ताकि मैं इनका अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। आज के मौसम बारिश का है, बारिश के मौसम में लोगों ने मुझे टेलीफोन किए हैं कि फोड़े, भिंसियाँ, गर्मी के दाने, एलर्जी और खुश्क खारिश होती है। मैं आपको तरतीब वही पहले गजाई इलाज बताऊँगा, फिर दूसरा इलाज बताऊँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब इन बारिश के मौसम में ये इनका मैं इलाज बताता हूँ, फोड़े, भिंसी, गर्मी दाने, खुश्क खारिश का गजाई इलाज। जो लोग अमरूद रोज़ खाते हैं उनका खून साफ हो जाता है, वो इन थोड़े भिंसू खारिश एलर्जी से महफूज हो जाते हैं, उनका खून साफ हो जाता है, उनकी गर्मी निकल जाती है। जिन लोगों को गर्मी की वजह से हिद्दत है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक पाव आधा किलो अमरूद रोज़ खाएं, 10 दिन के अंदर उनका मामला ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि जिनके खून में हिद्दत है, ये घर से और हर जगह से भी कहते हैं कि खून में हिद्दत है, आप अमली लेकर 3 अमलियों को मसल करके 1 गिलास पानी में चीनी मिला के रोज पिए, 1 हफ्ते तक आपकी खून की हिद्दत ख़त्म हो जाएगी, अमली बाजार से मिल जाती है। इसके बाद करेले की सब्ज़ी 1 हफ्ता खाने से ये खून जो है हर किस्म की गिलासत से पाक हो जाता है, थोड़े पंछा नहीं निकलती। इसके बाद नीम के 2 पत्ते, उनमें 2 काली मिर्च पकड़कर 1 गिलास पानी में हल करके आप पिए, यह हर मुँह 1 हफ्ता पीने से थोड़े पंछियाँ हर किस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ। अब इसके थूम, लहसुन की 2 तुलियाँ, इनको कूट कर अगर थोड़े के ऊपर लगे तो थोड़ा जल्दी फट जाता है और खून उनका साफ हो जाता है। इसके बाद मसूर की दाल का आटा बना के उसकी पट्टी बनाकर उलट बनाकर भापने से थोड़े जल्दी फट जाते हैं। इसके बाद अजवाइन और नींबू, इन दोनों को रगड़ के मिला के इनके लगाने से फोड़े की सूखी जलन जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ। हमदर्द कर्शी अकबर खान ने फोड़े शास्ता बनाई हुई है, उसका आधा चमचा सुबह और शाम खाने से 1 हफ्ते में फोड़े और पिप्सी का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हमदर्द की साफी, जो खून को गिलावट से पाक करती है, आपको अगर थोड़े पंछे निकल रहे हैं तो 1 चमचा सुबह के हर मुँह पानी के साथ ले, थोड़े पंछे ठीक हो जाएगी। कर्शी वालों ने मुसफ़िर बनाई हुई है, अकबर खान लोगों ने मुसफ़िर बनाई हुई है, उसकी 2 गोलियाँ सुबह और 2 शाम खाने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद काफ़ी लोग को बरहम काफू, ये भी हर कंपनी में कश्य अकबर खान में बनाई हुई है, ये बरहम काफू लेकर ये गर्मी दाने में लगाने से ये ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गर्मी दाने के और भी मसाइल है, तो उनका ये एक कुर्जो हमदर्द था, उसके 2 कतरे तेल में मिलाकर लगाने से गर्मी दाने ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है एलर्जी, किस किस्म की एलर्जी हो, कच्ची वालों की एलर्जिक्स, 2 गोली सुबह 2 शाम खाने से हर किस्म की एलर्जी ठीक हो जाती है। इसके बाद है कि होम्योपैथिक कंपनी वालों ने बायोप्लास्टिक 30, मसूर वालों ने, डॉक्टर गंबर शाह ने, डॉक्टर जर्मनी वालों ने सब ने बने हुए 2 गोलियाँ सुबह 2 शाम खाने से ठीक हो जाते हैं। खुश खारिश का इलाज, 4 कतरे सल्फर बिहार को आप ले सकते हैं, आपकी खुश खारिश ठीक हो जाएगी। और सल्फर की ट्यूब बन जाती है, वो ट्यूब लगाने से खुश खारिश ठीक हो जाती है। ये मेरा लेक्चर आजकल जो मैं दे रहा हूँ, ये बारिश का मौसम है और थोड़े बच्चे पौध निकल रही है, इन थोड़े बच्चों से बचने के लिए ये आज मैंने चीज़ें और लेक्चर दिया है। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे